हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज अनादिता'स ब्लॉग। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज ब्लॉग और आज का दिन भी स्टार्ट करते हैं। और अभी मुझे मेरे पापा के साथ बैंक जाना है, एटीएम में जाना है पैसा निकालने के लिए। और मेरी मम्मी तो सुबह से लगी गई है क्योंकि आज है फ्राइडे और आज हमारा वेज डे है, तो इसलिए मम्मी लग गई है साफ़ सफाई करने। तो इसलिए मम्मी को साफ सफाई करने देते हैं और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। मतलब मेरा ऑनलाइन क्लास होता है तो वो हो रहा था, तो मैं लिख रही थी। तो लिखते लिखते मैंने चला कि तो अभी ब्लॉग स्टार्ट ही कर देता है, तो इसलिए मैंने फ़ोन लिया और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। वैसे ब्लॉग का अच्छा ही होता है, फ़ोन लो, वीडियो ऑन करो, हो गया, और फिर थोड़ा बहुत एडिट करो, फिर दे दो बस। तो दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग इन माई चैनल। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? और एक चीज़ सब कुछ तो बोल ही दिया है, हाँ ठीक है। तो इतना तक ये वीडियो का इंट्रो, अभी देखते रहो क्या होता है आज के दिन में, सब कुछ पता चलता रहेगा, ठीक है? मैं बैंक में जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, आप सब देख सकते हो। तो अभी मुझे जाना है, तो लेट्स गो। तो गाइस हमारा पैसा उठाना हो गया है और अभी हम फिर से जाएंगे घर, तो चलते हैं। तो गाइस मेरा बैंक और एटीएम का काम भी कंप्लीट हो गया है और मैंने घर पे आके अभी ड्रेस भी चेंज कर लिया है और अभी मैं बैठूंगी पढ़ने, क्योंकि मेरे स्कूल से कुछ लिखने के लिए दिया है तो वो पहले सबमिट कर दूंगी, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है? सो पहले स्कूल का काम, ठीक है, करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइज अभी एक्चुअली टिफिन टाइम का ब्रेक चल रहा है अभी, मतलब अभी मेरा मैथ्स क्लास ख़त्म हुआ और मेरा नेक इतना पेंट करना है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे करके दिखना पड़ता है, तो इसलिए अभी ये देखिए मैथ्स का कॉपी दिखला हुआ है। तो वो करते करते थोड़ी देर पहले मैथ्स का क्लास ख़त्म हुआ था, तो तब तक मैंने मतलब अपना जो ये वाला मैंने आपको पहले दिखाया था ना, पहले नहीं दिखाया था मैंने आपको, ये मेरे एक स्टडी टेबल का एक मतलब पार्ट है, एक हिस्सा है, इस पर मैंने ये स्टोन्स मतलब ये जो स्टोन्स है ये फिट किए, और इतना कुछ मैंने किया नहीं है अभी, मतलब वो ही कर रही थी। यहाँ पे वो स्टोन्स गिर गए, अच्छा कोई बात नहीं उठा लूँगी, तो यही कर रही थी। और अभी नेक में बहुत ही पेन हो रहा है, तो अभी मैं जाऊँगी उनको बोलूँगी खाना देने के लिए और फिर खाना खाऊँगी और फिर साथ में लग जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो गाइस देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो गाइस मैंने अभी देखा आके कि मम्मी ने सूजी का हलवा और चाय बना लिया मेरे लिए, मेरी बहन ने खा लिया मेरे चाचू के घर पे, तो अभी इसलिए सिर्फ हम दोनों ही चाय पियेंगे और सूजी का हलवा खाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर पहले जस्ट चाय पी के आई थी और अकेले मैं लग गई थी अपने ये वाला कंप्लीट करने, जिस पे मैंने और भी स्टोन्स लगाए हैं और भी बाकी है कुछ कुछ, तो वो मैं अभी फटाक से कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं फ्रेश हो जाऊँगी, तो ये कंप्लीट करने के बाद फ्रेश होने जाएंगे।
गाइस आप लोगों को देख के हंसी भी आ रहा होगा कि मैंने इससे मतलब ये नेल कटर से क्यों मैं स्टोन पिक करी। एक्चुअली ना मेरा जो ऐसा होता है ना इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्टोन पिकअप करके लगाते हैं, वो मेरा कहीं गुम हो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा और कोई आइडिया मिला ही नहीं, तो मैंने ये ले लिया। ये एक्चुअली मतलब वो हो गया है, ये भी धार मतलब क्या बोलूँ इससे भी कट नहीं हो पाता, मतलब नेल कट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो इसलिए मैं ये अपने क्राफ्ट के लिए यूज़ कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छे से यूज़ भी हो जाता है। मतलब ये स्टोन पिकअप करने के लिए अच्छा है ये इंस्ट्रूमेंट, सेम ही है, बट ये मुझसे नहीं खुला। ये अगर खुल जाता ना तो ये पूरा वही उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बोलना, मैं एक्चुअली बोल रही हूँ। तो अभी हम फटाक से फ्रेश होके आते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज मेरा मतलब मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और आप लोगों ने सुबह से मेरी बहन को नहीं देखा होगा, तो मैं अभी मेरी बहन को दिखाऊंगी, मतलब बात कराऊंगी आपसे। वो सुबह से सुबह बोला था ना कि मेरी बहन ने चाचू के घर खाना खा लिया है, तो वही मेरी अपनी छोटी बहन है कोई और नहीं है, मेरी अपनी छोटी बहन है, तो उसे मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो चलते हैं। और वो मेरी एक्चुअली मेरे मम्मी पापा के रूम पे है, अभी टीवी देख रही है, तो उस रूम पे जाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा नॉइस होगा, तो फिर भी हम जाते हैं और टीवी का आ जाएगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि कंट्रोल के मतलब वीडियो देखना और कुछ नहीं। तो लेट्स गो और मैं आपको दिखाती हूँ और मिलाती हूँ मेरी छोटी बहन से। तो चलते हैं। तो मैंने जैसे ही बोला कि उसे मतलब मेरी छोटी बहन को कि ब्लॉग में आना है, तो उसने फटाक से टीवी का साउंड पूरा लो कर दिया और अभी बाल बना रही है, तो देखते हैं उसे, तो बाल बनाने देते हैं बिचारी को, तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं उसे रेडी होने में, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं आएगी, बहुत शर्मीली है, इतनी भी नहीं है, क्योंकि उसका खुद का भी डांस का चैनल है, तो इसीलिए इतना भी शर्माती नहीं है कैमरे के सामने, बट फिर भी मेरा यूट्यूब पे नहीं है, मेरा तो हाँ, तो मैं इधर आप इधर स्क्रीन पे इसका MX टकाटक का लिंक दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी, अगर MX टकाटक में लिंक अवेलेबल हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे ऐप में ऐसा होता है कि लिंक अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो बाल हो गया, तो मिल लीजिए मेरी छोटी बहन से। तो इसका नाम है बिनीता और मेरा नाम तो पता ही है अनादिता, तो हम दोनों का नाम भी ना एक कॉमन है, ता बिनीता अनादिता। ओ ज्यादा सामने मत आ, आंख से दुखता है। देखिए मेरी चिंकी रानी आ गई है। आ, 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 कल बोला था, कल हमने थोड़ा सा शूट किया था, तो उस पे इसने बिल्ली को लेके बहुत ज्यादा नाटक किया था, वो थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो इसलिए हमने नहीं दिया वो वीडियो। रुक जाइए मैं लाइट ऑन करती हूँ। और यहाँ पे हमारी चिंकी, ये देखो, तो वो अभी जाएगी, वो इतने समय से घर पे बैठी हुई थी, तो वो अभी जाएगी थोड़ी बाहर खेलेगी कूदेगी फिर आ जाएगी। तो हम तो शूट किया था हमने थोड़ा सा, तो वो हमने नहीं डाला कि वो इतना अच्छा बना नहीं था, तो इसलिए हमने वो वाला शूट नहीं डाला, तो वो उसी पे बैठी है कि वो वाला। और यही बस और कुछ नहीं हो गया तेरा, तो तेरा पहचान करा दिया कौन है तू, तो जा अभी तू, कोई नहीं हट। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, तो सच्ची में अगर मेरा काम कंप्लीट तो जा बाहर पे जा, तेरा काम मैं क्यों करूँ। तो अभी मैं बैठ बैठ के CID देखूंगी और बस चल करूंगी। CID लगा रही है क्या, लगा के बैठी है, जल्दी लगा CID। हाँ आ गया आ गया आ गया, क्यों एक्चुअली ना मेरा CID तारक मेहता दिखा रहा है, तारक मेहता में CID वाला जो एपिसोड है ना वो दिखा रहा है, तो वही मैं देख रही थी अभी। रुक जाए मैं बैठ के मैं ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या देख रही थी, मतलब मैं नहीं देख रही थी, मैं तो जस्ट अभी नहा के आई हूँ, मेरी बहन ही देख रही थी, मैं भी देखती हूँ तारक मेहता, झूठ क्यों बोले। नहीं सच्ची में मुझे तारक मेहता बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद तो जेठालाल है। रुक जाइए दिखाती हूँ मैं। तो गाइस मेरा तारक मेहता देखना भी कंप्लीट हो गया, CID देखना भी कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक
छोटा सा मेरा क्राफ्ट हॉल फॉर स्टडी शेयर कर दिया जाए, तो इसलिए आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मेरे सारे क्राफ्ट्स, मतलब जो जो मैंने क्राफ्ट बनाए हैं अभी तक और भी बनाऊंगी, वो क्यों ना शेयर कर लिए जाए। जैसे कि ये है, नहीं दिखाऊंगी अभी, वीडियो को देखना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये और एक है, तो भी नहीं दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं दिखाऊंगी अभी, तो वीडियो को देखिए तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हमारा फर्स्ट आइटम है ये बैग, ये छोटी सी लिटिल लिटिल क्यूट क्यूट बैग, जिसपे मैंने कुछ ऐसे ही फ्लावर्स, कुछ रखने का नहीं था तो मैंने कुछ ऐसे फ्लावर्स रख दिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है दिखने में, और इस पर मैंने ऐसे फ्लावर्स रखे, और इसके अंदर मैंने ये कुछ स्टोन्स रखे हैं इसके अंदर, तो और कुछ नहीं रखा मैंने इसके अंदर। मतलब मुझे अगर स्टोन को भी चाहिए होता है, यहाँ पे गिर भी गया है, तो वही मैंने रखे हैं, और कुछ नहीं रखा मैंने इस पर, तो बस। और फिर एक फ्लावर लिया, उसको थोड़ा फोल्ड किया और इसके अंदर ऐसे घुसेड़ दिया, बस हो गया। तो इस पर कुछ नहीं है, इस पर बस यही है। तो ये था मेरा छोटे से क्यूट क्यूट दो बैग्स। सो मुझे तो बहुत पसंद है ये बैग्स, तो बहुत अच्छे लगे मुझे। तो इसके बाद मेरा सेकंड क्राफ्ट है ऐसा कुछ, मतलब क्रिएटिव ऐसा कुछ पेन स्टैंड, जो कि मैंने चार बनाए हैं और दो इधर है, तो मैंने ऐसे चार बनाए हैं। तो ओ बाबा, ये गिर रहा था। तो मैंने ऐसे चार बनाए थे, अभी भी है चार, ये देखिए। तो ये चार मैंने बनाए हैं, तो अभी मतलब मैं इन पर पेन लगती हूँ, पेंसिल लगती हूँ। तो ये दो आइटम थे जो मैंने घर पे बनाए हैं, मतलब सारे जो जो दिखाऊंगी वो मैंने घर पे ही बनाए हैं। और एक है जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, ये वाला अभी तक इनकम्प्लीट है। मतलब ये बीच का डेकोरेशन तो हो गया है, मतलब ये स्टोन्स तो मैंने लगा दिए, बट ऊपर का कुछ बाकी है और नीचे का भी थोड़ा सा बाकी है। तो ये था मेरा थर्ड आइटम। और मेरा लास्ट आइटम जो है वो था ये छोटू सा एक बॉक्स है, मतलब मैच बॉक्स से मैंने ये बनाया है, जो कि मेरी क्राफ्ट चैनल पे है क्या, आई थिंक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने बनाया ना, कोई भी मेरे क्राफ्ट चैनल पे नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बना लिया। और तब मैंने क्राफ्ट चैनल स्टार्ट तो कर दिया था, बट मैंने कुछ भी उस पर मतलब पोस्ट किया था क्या, फॉरगॉटन, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ चीज़ें रखे हैं, ऐसे ही, मतलब ये मैंने ऐसे ही डेकोरेटेड पीस बनाया था। और इस पे ना मैंने कुछ लिखा भी था, यहाँ पे लव लिखा था मैंने, और यहाँ पे कुछ मतलब दो आँखें और एक मुंह मैंने ड्राइंग किया था, तो बहुत क्यूट सा मुझे लगा ये। तो बस यही थे मेरे कुछ क्राफ्ट्स की चीज़ें जो मैंने घर पे ड्राइंग, मतलब ड्राइंग क्या बोलो, बनाया है। और अगर आपको ऐसे ही मतलब मेरी क्राफ्ट्स देखने हैं, मेरी मेकअप कलेक्शन देखने हैं, मेरे स्टडी है, मतलब सारे स्टडी के सामान देखने हैं, तो क्या करना है, मैं हर एक दिन कुछ कुछ मतलब जैसे आज मैंने मेरी स्टडी के सामान आपको दिखाए हैं, मतलब जो जो मैंने घर पे बनाया, मेरे क्राफ्ट के सारे सामान मैंने आपको दिखाए। तो नेक्स्ट ब्लॉग, मतलब आज है फ्राइडे, सैटरडे के ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ और दिखाऊंगी, क्राफ्ट्स के या फिर मेकअप, कुछ भी हो सकता है, तो दिखाऊंगी, बट कुछ ना कुछ आपको दिखाऊंगी। रोज़ तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर रोज़ दिखाऊंगी तो मेरा सारे कलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए एक दिन गैप गैप। बट अभी कुछ दिनों के लिए स्टिल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे कुछ हॉल्स, और मुझे एक शूट भी करना था मीशो हॉल, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है गाइस, मतलब मुझे बहुत टेंस हो रहा है कि अभी तक नहीं हो पाया है, तो वो क्या करूँ मैं, तो देखते हैं। वैसे आज मेरा ट्यूशन है, तो ट्यूशन पे तो जाना पड़ेगा ही, कल मेरा नहीं है ट्यूशन, तो कल आई एम श्योर कि कल तो मैं शूट करके ही रहूँगी, क्योंकि ना ट्यूशन जाती हूँ ना, ट्यूशन होता है 3:30 बजे, और आती हूँ 6:30 को आने के बाद मन नहीं करता कि वीडियो बनाऊँ, और मतलब कुछ भी स्कूल का भी काम होता है, मतलब बहुत कुछ काम होता है, तो इसलिए मैं मतलब जिस दिन ट्यूशन होता है उस दिन मैं नहीं कर पाती कोई भी, मतलब ब्लॉग तो चलता ही रहता है, बट मैं और कुछ नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं कल डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि
अपना मीशो हॉल कर सकूं और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें भी आपको दिखा सकूं, तो ये मेरा ट्राई रहेगा। और आज का ब्लॉग में यही कुछ चीज़ें स्पेशल थी, और अभी कंटिन्यू चलता रहेगा ब्लॉग जब तक एंड नहीं होता, मतलब रात का एंड नहीं होता जब तक डिनर कंप्लीट नहीं होता। तो वीडियो को देखते रहना। और आज का ये फर्स्ट ब्लॉग है ना, तो कुछ लंबा हो रहा है आई थिंक, बट ये फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, और ब्लॉग ना लंबा ही पसंद होता है, मतलब मुझे तो ब्लॉग लंबा ही पसंद है, ऐसा छोटा छोटा ब्लॉग पसंद नहीं है। बट फिर भी टाइम के शॉर्टेज के वजह से क्या बोलूँ, ब्लॉग छुरे हो जाते हैं, बट मेरे ब्लॉग स्टिल बड़े ही रहते हैं। बट ऐसा क्यों, मतलब मुझे, मतलब मैं जिन जिनका ब्लॉग देखती हूँ ना, उनका ब्लॉग ना 10 से 15 मिनट के अंदर होता है, बट मेरा ब्लॉग तो 20-25 मिनट तो ऐसे ही कवर कर लेता है। मतलब सच्ची बोल रही हूँ, ऐसे ही 20-25 मिनट तो दोपहर तक ही हो जाता है सच्ची में। और इसलिए ना मैं मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करके पार्ट बनाती हूँ, इतना लॉन्ग नहीं बनाती कुछ भी। तो इसलिए मैंने आज थोड़े से ही सामानों की टोर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग और भी लंबा हो जाएगा और मेरा पकड़ पकड़ बंद नहीं होगा, स्टिल ख़त्म हो जाए, बट आई कैन स्टॉप माई टॉकिंग। मतलब ऐसा ही होता है हमेशा, मतलब ना इसलिए मैं ना ब्लॉग भी नहीं करती, क्योंकि ना मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तू बहुत ज़्यादा बोलती है, तुझसे तो ना हो पाएगा। बट फिर भी मैंने ये चैनल ओपन किया है कि देखती हूँ इस पर सक्सेस मिलता है या नहीं, मैं अपना पूरा कोशिश लगा दूँगी इसमें। बट स्टिल ये आप लोगों के ऊपर है कि आप मुझे सक्सेस दिलाते हो या नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट दूंगी, ठीक है। और दिवाली स्पेशल ब्लॉग आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बोलूँगी, मतलब आज के ब्लॉग के लिए मैंने शायद 3 times बोल दिए कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो अभी बस एंड में बोलूँगी और नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। तो ये था छोटा मोटा सा मेरा ये टूर, और ठीक है अभी मिलती हो बाद में खाना खाने के समय, लंच में, वो तो हुआ ही ना, अभी बच कितना रहा है, आई थिंक 1:20 या 1:30 हो गया है अभी, तो हम आधे घंटे में लंच कर लेंगे, क्योंकि मेरी 3 बजे मतलब निकल जाना पड़ता है, क्योंकि आधा घंटा लगता है ये जाने में, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, तो इसीलिए 3 बजे के पहले तो करना ही पड़ता है लंच, तो इसीलिए हम और आधा एक घंटे बाद लंच कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मिलते हैं लंच के वक्त, बाय, मतलब लंच के लिए बाय, पूरा बाय नहीं। तो गाइज अभी मैं रेडी हूँ, और मतलब मैंने खाने का भी शूटिंग, मतलब वीडियो और खाने के पहले भी वीडियो इसलिए नहीं किया, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पीड में ये वीडियो, मतलब ये क्या बोलूँ, ट्यूशन में भी मुझे जाना है, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तो इसलिए मैं अभी और कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे भी ट्यूशन में जाना है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं पूरी रेडी हो गई हूँ ट्यूशन के लिए, तो मुझे भी जल्दी से जाना है ट्यूशन, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। ट्यूशन के आने बात, मैंने क्या बोला था, मुझे बोलना था ट्यूशन से आने के बाद, मैंने बोला ट्यूशन आने के बाद, मतलब अच्छा मैं ट्यूशन से आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है बाय, मतलब ट्यूशन में जाने के लिए बाय। तो मैं ट्यूशन से आ भी गई, आके मैंने चेंज भी कर लिया है, और रात में ना ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कैमरा अच्छे से काम नहीं करता, मतलब लाइट नहीं अच्छे से आता है, तो इसलिए मुँह कुछ ऐसा हो जाता है, तो कुछ दिन में अच्छा लाइट लग जाएगा, तो टेंशन मत कीजिए। और अभी मैं फिर से बैठ जाऊँगी पढ़ने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिखना बाकी है, तो अभी पढ़ना है, और मेरी बुआ भी आई है, तो उनके उधर भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब आज का दिन हेडिकफुल गया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा होता ही है, तो इसीलिए अभी मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो गाइस मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब वो सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है, मतलब मेरा पढ़ना ख़त्म हो गया है आज के लिए, तो मैं अभी और कल पढ़ाई में बैठूंगी। मेरी आँखों में भी दर्द कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है आज का दिन, मतलब पूरा स्ट्रेचफुल गया है आज का दिन, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस
हाँ स्ट्रेस गया है और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया है। तो ना आज तो मैंने हिंदी बना लिया ब्लॉग, बट मैं कल से बंगाली ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि हम बंगाली है भाई, तो इसलिए मैं कल से बंगाली ब्लॉग बनाऊंगी। जैसे होते बहुत सारे यूट्यूबर जो बंगाली ब्लॉग्स बनाते हैं, हिंदी भी बनाते हैं, बट मेरे घर में हमेशा बंगाली बोलता है तो हिंदी बोलने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो जाता है। हिंदी वैसे मेरी स्कूल में हमेशा बोलता है, बट फिर भी घर में जो बोलते हैं वो तो मतलब होता है। और मेरे बाल कहाँ हाल देख रहे हो ना, मतलब ये मेरा नेचुरल फेस है, तो मेरा नेचुरल फेस ऐसा होता है नहीं गो आज, मतलब नेचुरल फेस ऐसा नहीं होता आज ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस गया है आज के दिन में, तो इसलिए कुछ ऐसा हो गया है फेस, नहीं तो मेरा नेचुरल फेस ऐसा नहीं होता। और होने से भी क्या करेंगे भाई, जो जिसका भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही तो होगा। तो इसलिए अभी मैं देखूँगी टीवी, तो फिर और तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू और मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, वो होगा बंगाली ब्लॉग। यस तो टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।